अपना पूरा परिचय पर कैमरे। अशोक खेड़ा एंड सन्स, शॉप नंबर 142, गाजीपुर मंडी। आपका किन किन चीजों का जो है डील करते हैं? हम मटर, गोभी, फ्रॉस बीन्स, शिमला मिर्च, कटहल, इन सब चीजों, ब्रोकली, ये सब चीजें बेचते हैं। जो ये सब्जियां हैं सर, इनमें से किसी सब्जी के रेट पर अगर पिछले 15 दिनों में कोई फर्क पड़ा है तो उसको भी बता दीजिए। देखिए, पिछले 15 दिन में कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि मटर है, उसकी फसल कम होने से वो तेज है, और बाकी कटहल बाहर से आ रहा है केरला से, वो कुछ तेज है, बाकी तो नॉर्मल है, कोई ऐसी सब्जियों में तेजी है नहीं। एक आपने सुना होगा कि अभी कल भारत बंद का आवाज था, इसके अलावा कई और चीजें हैं जैसे कि बॉर्डर पर ट्रक जो है आसानी से नहीं आ पा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं ऐसा बताया गया है, तो उसका क्या फर्क अभी पड़ रहा है या आने वाले वक्त में क्या पड़ सकता है? देखो, उसका फर्क ये है कि जो लॉन्ग रूट की सब्जियां और जो लॉन्ग रूट के फ्रूट्स जो इन ट्रकों में आते हैं वो रास्ता डिस्टर्ब होने से रुक रहे हैं, और सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो एक घंटा भी रुकी तो डैमेज होना शुरू हो जाती, और उसमें किसानों का खुद अपना ही नुकसान है कि जो उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखे हैं और जो वो उधर से सब्जी आ रही हैं, उन ट्रकों को आप जब रोक के रखोगे तो नेचुरल है, सब्जी और दूध एक ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं, और ये खुद डैमेज पे डैमेज होती चली जाती। इससे किसान भी ये नहीं समझ पा रहे कि नुकसान किसका है, कम से कम जो ये आइटमें हैं इनके लिए तो रोड को छोड़ के रखना चाहिए। तो अगर आने वाले वक्त में ये स्थिति जारी रहती है तो क्या फर्क सब्जियों के रेटों पर पड़ सकता है, कौन कौन सी सब्जी इफेक्ट हो सकती है अगर हम पंजाब या हरियाणा या हिमाचल को जोड़ते हुए चले तो? देखिए, इस वक्त तो आप ये मानिए पंजाब हरियाणा और हिमाचल का कोई सीजन है नहीं। मटर का सीजन पंजाब का होता है जो दिसंबर जनवरी में ख़त्म हो चुका है, कुछ एक जगह से गाजर आ रही है, या जो गाड़ियाँ गंगानगर की इधर हो हरियाणा होकर आती है उनमें इफेक्ट हो रहा है, जो गाड़ियाँ रुक रही हैं उसमें फ़र्क पड़ रहा है। बाकी कुछ इस वक्त पंजाब का कोई ऐसा सब्जी दिल्ली में नहीं आ रही जिससे कोई इफेक्ट। लॉन्ग रन में रहता है तो अगर यूपी के बॉर्डर रुक जाते हैं या दूसरे बॉर्डर रुकते हैं, जो सब्जियाँ यूपी से आ रही हैं या राजस्थान से आ रही हैं, अगर इस वक्त जो लॉन्ग रूट के सारी चीज़ें अहमदाबाद से आ रही है जिस तरह, या गंगानगर से आ रही है या पुणे से आ रही है, जो सब्जियां उधर से आ रही हैं अगर इन बॉर्डर्स पे इफेक्ट होता है तो फिर ये सब्जी ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। सोल्यूशन तो ये है जी कि अब आपस में बैठ के ही बातचीत हो सकती है, हर झगड़े का हल तो बातचीत है। अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग है वो भी टेबल पे बैठ के हल होती है, मैदान पे तो होती नहीं। कुछ किसानों को झुकना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट को झुकना चाहिए, इसको हल कर लेना चाहिए। पूरा परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और गाजीपुर सब्जी मंडी से हूँ मैं, आड़ती जी। दुकान शॉप नंबर 170। काम किस चीज़ का? आड़त का है जी, गाजर का काम है मेरा। अच्छा, गाजर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी क्या रेट चल रहा है, 15 दिन पहले क्या रेट चल रहा था? 15 दिन पहले थोड़ा सा डाउन थे रेट, अब थोड़े महंगे हुए पंजाब की गाजर रुकने से जी। ये 6-7 रुपए किलो गाजर थी जो आज 10 रुपए बिक रही है, 4 रुपए डबल हो गया है। तो ये कारण आपको क्या नजर आ रहा है? कारण ये जो नीचे धरने दे रहे हैं आप किसान वगैरह, इस वजह से थोड़ा लोडिंग कम हुई है, मतलब से ड्राइवर डर रहा है मंडी आते में, क्योंकि मंडी आएगा उसकी गाड़ी को या उसको कोई हानि ना हो जाए, इसलिए बहुत फर्क पड़ा है। तो क्योंकि आपका तो रोज का काम है तो आप ड्राइवर से बात करते होंगे या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लोगों से बात करते होंगे? डर है वहाँ के लोगों में। तो वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं जी, मतलब गाड़ी बीच में जो ये रास्ते खुदवा दिए हैं और बैरियर लगा दिए हैं, गाड़ी ड्राइवर को दिक्कत हो रही है मंडी आने में जी। इसलिए ड्राइवर के दिल में डर है। और आने वाले दिनों में इसका क्या फर्क पड़ सकता है? महंगाई होगी थोड़ी, अब सब्जियां रुकेंगी, किसान भी खुदाई बंद करेगा, किसान कटाई बंद करेगा, सब्जी तो महंगाई होगी मंडियों में, मंडी महंगाई होगी तो जो हमारी जनता है उसको परेशानी होगी जी, परेशानी के सामने। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आपके लिए, क्या सॉल्यूशन है उसमें? सॉल्यूशन जी यही है, देखिए जल्द से जल्द जो भी किसानों की दिक्कत है, किसानों और ये सरकार के बीच में मतभेद खत्म होना चाहिए। पहले बताइए। मेरा आजी मुकीम जी। हाँ, शॉप नंबर B88 जी, बताइए। गाजीपुर मंडी में, गाजीपुर सब्जी मंडी में जी। ये बता दीजिए, जिस तरह से अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ दोबारा से जी, जी बॉर्डर पर कुछ ट्रक जो है जी, जी वो सामान लेकर या तो देरी से आ रहे हैं या फिर शायद नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, टाइम टाइम तरह की खबरें हैं जी कि शायद जो रेट है उस पर कोई फर्क पड़ा है? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सारी गाड़ियां टाइम से आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। टमाटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। टमाटर के बारे में जो रेट पहले था जो अभी भी यही रेट है, कोई इसमें जो फर्क वाली बात कोई नहीं है। 15 दिन पहले का रेट 15 गए 100 रुपए नीचे था, अब 100 रुपए जो बढ़ा हुआ है माल जो है कम आने की वजह से। हाँ, माल पूरा आ रहा, माल नहीं रुक रहा कहीं बॉर्डर पे, लेकिन पीछे से ही कम आ रहा माल। अच्छा। हाँ,
तो ये पीछे से जो कम आ रहा है इसकी इसके कारण कुछ बता सकते कुछ है? मतलब ऐसे है ना, जो एहतसाब रहे टमाटर के वहाँ खत्म हो गए हैं, जो माल चालू हुए हैं वो नए एरिए वो वहाँ से कम माल आ रहा है, यहाँ पे जो है माल पूरा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर ये जो ट्रक जैसे देरी से आते हैं या फिर घूम कर आते हैं, जी जी, इसका माल भाड़े पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, भाड़ा बिल्कुल सेम है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है, किसी भी किसी बात की दिक्कत नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर ये इस तरह की जो आवाजाही आवक कम रहती है तब जी, क्या फर्क पड़ सकता? अगर गाड़ियां रास्ते में रुकती हैं तो फिर उस पे जो है माल पे फर्क पोजीशन, जैसे कि महंगाई बढ़ेगी माल कम आने की वजह से। वैसे ऐसा होगा नहीं, गाड़ियां जो है सब आएंगी रास्ते में, जो रास्ते खुले हुए हैं, कहीं कहीं रास्ता जाम है जहाँ से गाड़ियां नहीं आ रही हैं, लेकिन जो टमाटर के रास्ते हैं मतलब सारी गाड़ियां आ रही हैं। एक बार रेट बता दीजिए दर्शकों को। रेट जो है 500 रुपए, यानी कि 25 किलो टमाटर 500 रुपए की रेंज में बिक रहा है।